आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पर मैं एक स्विच एक सॉकेट का कनेक्शन करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ एक सॉकेट लिया है और ये एक स्विच है। तो अब मैं इसका कनेक्शन करके आपको बताता हूँ। पहले मुझे एक फेस तार को कनेक्शन करना पड़ेगा। मैं यहाँ से स्विच से लेके ये स्विच है, यहाँ से मैं एक फेज तार ये यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये L है मतलब फेज, और ये N है मतलब ये L जो है फेज है सॉकेट का, और ये जो N है ये न्यूट्रल है ये सॉकेट का। और ये स्विच में दोनों में फेज जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो है स्विच का नीचे वाला टर्मिनल मैं इस सॉकेट के फेज में दे दूंगा। L लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे L लिखा हुआ है। तो स्विच से लेके यहाँ मैं सॉकेट के फेज पे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ, अब मुझे आउटपुट निकालना है, अब मुझे यहाँ पे आउटपुट निकालना क्या, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है नहीं। तो यहाँ से मैं न्यूट्रल निकालूँगा। आप लोग देख सकते हैं ये सॉकेट है, तो यहाँ सॉकेट का आउटपुट निकालूँगा मैं सॉकेट से। तो यहाँ पे मैं सॉकेट से न्यूट्रल आउटपुट निकालूँगा, ये मैंने जंप किया, और यहाँ से मैं न्यूट्रल का आउटपुट निकालूँगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैं न्यूट्रल का आउटपुट निकाला, मैंने यहाँ से न्यूट्रल का यहाँ जंप किया और यहाँ से न्यूट्रल का आउटपुट निकाल लिया। अब मुझे यहाँ से फेज का स्विच से मैं फेज का आउटपुट निकालूँगा। यहाँ से मैं फेज निकाला, ये मेरी हो गई, ये मेरी फेज आउटपुट। तो दोस्तों ये हो गई। अब मैं चाहूँ तो ग्राउंड का भी कनेक्शन कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ग्राउंड का भी कनेक्शन करना है तो मैं यहाँ से ग्राउंड निकाल लूँगा, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने जंप किया और यहाँ ग्राउंड का कनेक्शन भी मैं निकाल लिया। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड का भी मैंने निकाल लिया है। अब आप इसमें चाहे तो जो प्लग होती है हमारी जो प्लग होती है, आप इस तार को, ये जो तीन तार निकली है, आप तीन प्लग लेके इस तरह का, दोस्तों एक प्लग आता है उसमें ऊपर में ग्राउंड और यहाँ पे ऐसे दो पिन नीचे निकली हुई रहती है, ऊपर एक पिन निकला रहता है। तो यहाँ पे मैं ये ऐसे करके दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया, ये मैंने, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने न्यूट्रल दिया है, यहाँ से मैंने न्यूट्रल दिया है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला, यहाँ से मैंने ये न्यूट्रल दिया है। अब ये जो है ग्राउंड के पिन जो है ये वाली, इसको मैं ऊपर लगा दूंगा ऐसे, और ये जो हमारी है, ये जो है ये वाली, ये देख सकते हैं ये वाली, ये मेरी है फेज की आउटपुट है। तो इसे मैं यहाँ लगा दूंगा। तो आप लोग को मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ स्विच जो है, स्विच से मैं फेज देके, स्विच से मैं एक फेज निकालूंगा और मैं सॉकेट के फेज पर दे दूंगा। यहाँ पे मैं फेज, यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से मैं न्यूट्रल निकालूंगा सॉकेट से, न्यूट्रल आउटपुट, और यहाँ पे मैं तार को जंप करके यहाँ मैंने न्यूट्रल निकाल लिया, और यहाँ से मैं ग्राउंड निकाल लिया सॉकेट से, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैं जंप करके यहाँ से ग्राउंड निकाला और इन तीनों का मैंने कनेक्शन कर दिया।
एक ऐसी है दोस्तों प्लग आती है दोस्तों की, तीन पिन वाली एक प्लग आती है, ऊपर में ग्राउंड, नीचे यहाँ साइड में फेज का तार, और यहाँ पे न्यूट्रल का आप तार लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे ये वाली फेज है, ये वाली ग्राउंड है, और ये वाली न्यूट्रल है, तो आप न्यूट्रल में न्यूट्रल का तार, और यहाँ पे फेज में फेज आउटपुट का तार, और यहाँ पे ग्राउंड आप लगा दीजिए। तो ये आपकी एक्सटेंशन बोर्ड की कनेक्शन दोस्तों हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक स्विच एक सॉकेट का कनेक्शन मैंने आपको करके बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।